नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देशन में विकासखंड कोटाबाग के चक पतलिया में कालाडूंगी प्रशासन द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कालाडूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली और तहसीलदार प्रियंका रानी ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कालाडूंगी प्रशासन द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी और फरियादी कम दिखाई दिए। जो ग्रामीण पहुंचे उन्होंने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि ग्रामीणों को ग्राम प्रधान द्वारा चौपाल की कोई सूचना नहीं दी गई। चौपाल में ग्रामीणों के द्वारा आवास योजना, सड़क डामरीकरण और सिंचाई नहरों की समस्या, हाईस्कूल में बाउंड्री आदि समस्याओं से SDM को अवगत कराया गया। तो कोटाबाग क्षेत्र में स्मैक आदि नशे के बढ़ते प्रचलन की रोकथाम की भी मांग उठी है। समस्याएं सुनने के बाद SDM रेखा कोहली ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। कालाडूंगी से मुकेश छेमवाल की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पेयजल की सिंचाई गूढ़ की बड़ी व्यवस्था खराब है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं के पास से गूढ़ जाती है पक्की नहर और उसमें झाड़ी झंकारा पत्थर इतने गिरे हैं, पानी रुक रुक के आता है और नहर टूटने का खतरा अलग है। दूसरी समस्या यह है कि नवोदय विद्यालय ने वो जगह घेर के रखी है, जबकि हम गांव वाले जाते हैं तो जाएं कहाँ से, वो आने नहीं देते हैं, तो वो रास्ता खुलाया जाए। तलिया हमारी सियात में चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 या 4 शिकायतें आई हैं। लगभग हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और अधिक शिकायतें यहाँ पर नहीं आई हैं। जो भी उनका समाधान उनका कर दिया गया है मौके पर ही, जिनको जानकारी मिली वो यहाँ पर पहुँचा है।